साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। इस महीने में एक फल जो है, ये फल नहीं बल्कि मैं कहूंगा ये औषधि फल है, ये एक औषधि की तरह रहता है। इस फल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये फल इतना स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है कि हर इंसान को ये पसंद होता है, और ये फल एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह होता है। इसमें ढेर सारे औषधि गुण होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीताफल की या शरीफा की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इसका वृक्ष लगा हुआ है, शरीफा का, सीताफल का। इसे अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं, सुगर एप्पल भी कहते हैं, और ये फल इस पे आना चालू हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये डाली है, इस डाली में पर्याप्त मात्रा में फल लगे हुए हैं और ऊपर काफी सारे फल लगे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे शरीफा की, सीताफल की, कस्टर्ड एप्पल की। कस्टर्ड एप्पल में ढेर सारे औषधि गुण होते हैं। यदि हम बात करें इसके औषधि गुणों की, तो यह शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, कब्ज अर्थराइटिस के लिए पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए, वजन को संतुलित बैलेंस करने के लिए, घटाने के लिए, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, हार्ट को स्ट्रांग करता है, बीपी को कंट्रोल रखता है, बालों को सुरक्षा प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार मैं ये सारे आपको इसके फायदे बता रहा हूं, और कमजोरी को दूर करता है, स्वस्थ बनाता है, तंदुरुस्त रखता है। और यदि हम बात करें महिलाओं का जो गर्भकाल होता है, महिलाओं के गर्भकाल या प्रेगनेंसी पीरियड में ये फल किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। आयुर्वेद में इसका वर्णन खूब मिलता है, खूब सारा इसका उपयोग होता है। इसके बीजों का भी उपयोग हम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इसके बीजों का कीट रक्षक के तौर पे यूज किया जाता है। खाद्यान्न में इसके बीजों को रखा जाता है चूर्ण बना करके, जिससे कीड़े नहीं लगते खाद्यान्न में। इसके छिलके के ऊपर, फल के ऊपर जो छिलका होता है इसका, इसकी पत्ती का, इसकी जड़ों का, तमाम इसके सारे भागों का उपयोग विभिन्न तरीके से होता है। यदि हम बात करें इसके पोषक तत्वों की, तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, B3, B5, B6 यानी कि बी कॉम्प्लेक्स खूब खूब मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें यदि हम बात करें मिनरल्स में, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, पोटास, आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और इसमें नेचुरल फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो मैं कहूँ ये फल नहीं है, ये इम्यूनिटी बूस्टर फल है, ये मेडिसिनल फ्रूट है। तो इसे जो इसका मार्केट में मिलना चालू होता है वो ठंडियों में अगर हम देखें तो अक्टूबर नवंबर से मिलना चालू हो जाता है। तो जब भी ये फल मिले, इस फल को खूब खाइए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, हेल्दी रहिए। आज हम बात करेंगे इसकी फल की खेती के बारे में। इसकी अगर हम बात करें भूमि की कैसी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमें दुमट भूमि की आवश्यकता होती है, जो गहरी हो, कम पानी की इसको आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पानी भी इसे नहीं चाहिए होता है। और ये एक ऐसी फसल है जो सूखे को भी बर्दाश्त कर लेती है। ये ककड़ीली फतरीली जमीनों पे, यानी कि बेकार पड़ी हुई जमीन पे, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे जमीन बेकार पड़ी है, इस पे हमने इसको लगा रखा है सीताफल को। यदि हम बात करें इसके खेत पे कैसे लगाना चाहिए, तो खेत पे लगाने के लिए हमारी एक तो पारंपरिक विधि है, जिस विधि में हम इसके बीजों को, जो फल के अंदर बीज निकलते हैं, इसके बीजों को इकट्ठा करके रख लेते हैं, और जून जुलाई में इसके बीजों को मुख्य खेत में हम थाला बना करके रोप देते हैं। इसके बाद जब इसमें पौधे में अंकुरण होता है बीजों में, तो हम स्वस्थ पौधों को, एक या दो पौधों को छोड़ करके बाकी पौधों को हटा देते हैं, निकाल देते हैं। यदि हम बात करें तो इसकी जो अगली विधि है, वो इसमें कुछ अभी नई प्रचलित जो बडिंग और ग्राफ्टिंग मेथड है, उसके माध्यम से भी बहुत अच्छी अच्छी उन्नत नस्लें इसकी शरीफा की आ गई हैं मार्केट में, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनको मुख्य खेत में जो लगाना है तो कैसे लगाना है। तो मुख्य खेत में इनको लगाने के लिए पहले आप किसी अच्छी नर्सरी से संपर्क कर लें, या खुद आप अगर इसे बीज से बना रहे हैं, पौधे को तैयार कर रहे हैं, तो आप नर्सरी में अपने पौधे को तैयार कर लें और आप जुलाई से अगस्त में इसे मुख्य खेत में रोप सकते हैं। यदि हम बात करें इसकी किस्मों की, तो सामान्यतः अभी तक इसकी दो किस्में देखने में आई हैं। एक किस्म होती है जिसपे इसका छिलका या ऊपर हरा रंग का होता है, आप देख रहे हैं ये फल। दूसरा जो होता है वो लाल रंग का फल होता है। इसी में ही कैटेगरियों में कुछ अच्छी किस्में हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, आप इनको ले सकते हैं, इनको आप उपयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें खेत पे इसको लगाना कैसे है, तो खेत पे जब आप इसको लगाने जाएं, तो कम से कम एक माह पहले खेत में गड्ढा 1x1x1 फीट का, यानी कि 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबा, इस गड्ढे को खोद करके छोड़ दें और लगभग एक माह ऐसे पड़ा रहने दें। इसके बाद ऐसे गड्ढा फिल करके, जो नर्सरी में आपने पौधा ग्रो किया है, पॉलीथीन में ग्रो किया है, उसको ला करके गड्ढे में आप शिफ्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक खादों को डाल करके। इसमें आप गोबर की खादें ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या और अन्य खादों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इसे हम लगाएंगे। यदि हम बात करें एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 5 मीटर दो पौधों के बीच की दूरी होना चाहिए और लगभग 3 से 4 मीटर के आसपास पौधे दो लाइनों की या दो कतारों के बीच की दूरी होना चाहिए। आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। और यदि हम देखें इसको लगाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी क्रॉप होती है, इसका जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, बहुत ही हार्डी होता है, विषम परिस्थितियों में भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन शुरुआत में एक वर्ष इसे देखरेख की आवश्यकता होती है, इसमें पानी की आवश्यकता होती है, इसमें खरपतवारों की आवश्यकता होती है, तो वो आप समय समय पे करते रहें। और शुरुआत में इसमें ये भी ध्यान देना है कि इसमें नीचे से शाखाएं ना निकलने पाएं, इसके लिए इसमें कटिंग और प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, तो आप इसमें गौर करें कि नीचे 3 फीट तक कोई भी शाखा ना निकलने दें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि शाखाएं उलझ रही हैं आपस में, तो कटिंग और प्रूनिंग रेगुलर करते रहें। आने वाले समय में मैं कटिंग का प्रूनिंग का एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको शेयर करूंगा। यदि हम बात करें फल लगने का समय, तो इसमें मुख्य रूप से जो फल लगता है, फूल तो इसमें बड़ी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन फूल से फल बनने में इसमें लगभग 4 माह का समय लग जाता है, 5 माह का समय लग जाता है। मैं आपको इसके फल भी फूल भी दिखाना चाहूंगा। इसके फूल यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं प्लांट्स में, ये फूल आप यदि देख सक पा रहे हो, तो ये इसके फूल है, ये फूल लगे हुए हैं और ये फूल काफी लंबे समय तक चलते हैं और फिर ये फल बनते हैं। फल जो है परिपक्वता की अवधि इसकी हम देखें तो लगभग अक्टूबर में ये फल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि हम बात करें मुख्य रूप से फल तोड़ाई की, क्योंकि इस पे सबसे अहम चीज है, फल को परिपक्वता की अवधि में तोड़ना है। जब फल एकदम मैच्योर हो जाए और थोड़ा सा कठोर रहे, यदि हम पेड़ पे ही लगा रहने देंगे फल, तो लंबे समय तक पेड़ पे लगा रहने में फल पकने के बाद फटने लगता है और उसमें डस्ट या अन्य जो है पोल्यूशन हो जाता है, जिससे मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलता आपको फल का, खाने में भी वो टेस्टी नहीं रह जाता है। तो आपको सही समय की अवधि का चुनाव करना है और वो अवधि हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सीताफल की आंखें खुलना। तो ये समय कब आता है, ये समय आपको चेक करना होगा कि सीताफल पहले तो हरा होता है और इसमें जो ये दो इसका जो स्केल है, दो स्केलों के बीच सघनता रहती है, पास होता है, लेकिन जब ये परिपक्व होने लगता है तो इसमें दो बीजों या दो स्केलों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, हल्का सा सफेद और गुलाबीपन आ जाता है हरे के साथ साथ, तब हमें इस अवधि में इस फल को तोड़ करके इकट्ठा करना चाहिए और फिर इसे मार्केट में विक्रय के लिए भेजना चाहिए और बड़ा ही स्वादिष्ट और शानदार फल होता है। तो यदि हम बात करें तुड़ाई की और फल प्राप्त कितना हो जाता है हमें इससे, तो लगभग यदि हम बात करें एक पेड़ से हमें 4थे-5वें वर्ष से फल मिलने लगते हैं और 4थे-5वें वर्ष में हमें लगभग 50-60 फल एक पौधे से आसानी से मिल जाते हैं और जैसे ही पौधा बढ़ता है, आगे बढ़वार होती है, तो लगभग 100 से 150 फल प्रति पौधा हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से पर्याप्त उपज ये भी हमें दे सकता है। ये औषधि पौधा है, इसे हम मार्केट में विक्रय करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और आजकल तो इसकी लोकप्रियता खूब बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड खूब बढ़ती जा रही है और विशेष रूप से ठंडी में ये फल मिलता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आप इसका सेवन करिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।